तो हमारी कैब आने वाली है और हम है रेडी नेक्स्ट ट्रिप के लिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम आ गए हैं मकाओ और वैसे हम हांगकांग से सीधा मकाओ आ गए हैं फेरी लेकर। हम ट्रैवल रात से कर रहे हैं बट फाइनली हम बाहर पहुंच गए। बाहर देखने को कुछ मिल रहा है, हम कब से अंदर ही अंदर घूम रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं इधर उधर। और हमें हांगकांग से मकाओ की जो बोट मिली है, जिस बोट से आए हम डायरेक्ट आए उस बोट से, हमें अपना लगेज भी वहाँ से लेना नहीं पड़ा, एयरपोर्ट से उन्होंने सीधा शिफ्ट कर दिया बोट की तरफ। तो वो बोट हमें पड़ी है 1400 रुपये एक जने की एक तरफ, और फिर आने की भी हमने एक साथ ले ली इसलिए हमें इतने की पड़ी है, नहीं तो हमें 2800 रुपये की एक तरफ पड़ती। बट अब हमें आना जाना एक तरफ पड़ी है एक जने की। तो हमें हांगकांग तो या सेव किया, हांगकांग तो हमें जाना ही है बट, लेकिन अभी हम पहले मकाओ आ गए हैं। देखते घूमते हैं, अभी होटल चल रहे हैं, हम टैक्सी लिए और टैक्सी पे फैशन अप हो जाते हैं। शुरू में $19 लिखा गया, ये क्या हो रहा है? वो दिख रहा है जो तुम्हें टावर दिख रहा है वीडियो में, दिख रहा है वो वाला टावर, वहाँ से हम कूदने वाले हैं। आज नहीं, थोड़े दिन बाद दिखाऊं, थोड़े दिन बाद, परसों। अच्छा परसों है? अरे बहुत दिन है यहाँ पे, अभी तो हम आए हैं। तो हम आ गए हैं अपने होटल, हमें रूम मिल गया है। पहली बार हमें रूम जल्दी मिल गया है क्योंकि हम खुद लेट आए हैं। हम 2:30 बजे आए हैं यहाँ पे, रात को निकले थे कल। रूम है कुछ ऐसा, इस रूम के हमने दिए है ऑलमोस्ट 9000 रुपये एक नाइट के, बहुत महंगा मिल रहा था सब कुछ। हमने ढूंढा भी बट ये वीकेंड है ना इसलिए और भी ज़्यादा महंगा मिल रहा था सारे रूम वगैरह। तो अभी हमने सिम तक भी नहीं लिया तो हमने ज़्यादा वेट नहीं किया, हम निकलते हैं, कुछ खाएंगे भी, सिम भी लेनी है और आसपास घूमते हैं। हम सोच रहे हैं बस से ही ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, बस के रूट्स दिख रहे हैं सीधा सीधा गूगल मैप्स पे, तो इजी रहेगा शायद। होपफुली ये खाना देख के मन कर रहा है कुछ तो खिला दो, बहुत भूख लग रही है। चल चलते, तूने दबाया ही नहीं। अरे वाह, गुड जॉब मनी, गुड जॉब। तभी तो जल्दी निकले, ऐसी बेवकूफी भी तो जरूरी है। और हमें बिल पहले ही मिल गया है, अभी कुछ खाने को कुछ भी नहीं आया और बिल पहले ही आ गया है। समझ नहीं आया मेरे को, बाहर इतनी गर्मी हो रही है और यहाँ पे गर्म पानी सर्व किया जा रहा है। सच्ची में धुआं निकल रहा है इसमें, मुझे लगा था नॉर्मल है बट अच्छा लग रहा है पी के, पता नहीं क्यों। ये भी बढ़िया लग रहा है, ये राइस नूडल में बना हुआ चिकन, सोने के मजे आ गए, उसे कोई मैदा खाना नहीं पड़ेगा। ये वैसे मुझे लग रहा था वेजिटेरियन है बट ये वेजिटेरियन नहीं है, इसमें श्रिम्प है, पता नहीं कैसे उसमें लिखा नहीं हुआ था, थोड़ा ध्यान दीजिए खाना, हम तो खा लेते हैं बट कोई और मंगाएगा तो पता नहीं, उसमें लिखा तो वेजिटेबल्स था। तो वहीं पे आएगी ना मोरा मोरा, वहाँ से जाना है। बाय बाय बस, हमें बाहर ही निकाल दिया क्योंकि हमें समझ नहीं आया, मैं तो पैसे भी दे रहा था पर समझ नहीं आया। फाइनली बस में बैठ गए, वही सेम बस, वही सेम नंबर, लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ था भैया को, कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी भैया ने उधर। मैं पैसे दे रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, अभी भी मैंने पैसे डाले हैं, $6 डालने थे एक बंदे के, वो मैंने कर दिया। तो हमें शुरू के एक घंटे में ही पता चल गया कि यहाँ के 95% लोगों को इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता, तो प्लीज गूगल ट्रांसलेट जरूर कर लेना डाउनलोड यहाँ आते समय। जिस साइड जाना था उस साइड ना बैठ के हम गलत साइड बैठ गए, अब ये साइड तो हमें पता नहीं थी, तो अब हमें टैक्सी लेनी पड़ी क्योंकि हम ऐसी जगह छोड़ दिया था हमें, हमें ये भी नहीं पता था कि इसके आगे होटल कहाँ है और इसके आगे क्या करना है, क्योंकि नेट नहीं है, सिम नहीं है और सिम लेना बहुत ज़रूरी हो रखा है। हमने शुरू में ही सिम मिली ही नहीं मेरे को, हांगकांग पे हांगकांग वाली मिल रही थी और मकाओ टर्मिनल पे जहाँ फेरी थी खाली, वो खाली पड़ा हुआ था वहाँ पे बस। तो फाइनली हम अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन आ गए हैं जिसका नाम है रुआ दो कुन्हा, जो कि एक ओल्ड स्ट्रीट मार्केट है ताइपा मकाओ में। कोको लस्सी एक्चुअल में, ये एक्चुअल में कोकोनट का जूस है, इसमें कोई दूध वगैरह नहीं है, और ये 20
का है, मतलब 400 रुपए का है। नहीं 200 रुपए का, सॉरी मैं हर चीज को 20 से क्यों बोलती हूँ। हमने लिया मस्त कोको लस्सी और ये बहुत स्वाद है, सच्ची में बहुत स्वाद है। दिखाइए, एनर्जी पोशन मिल गया है हमें। इसमें कोई दूध नहीं है, सिर्फ जूस है कोकोनट का, ठंडा चिल। पीछे जो एक गर्ल गैंग दिख यस उन्होंने हमारी बहुत मस्त फोटो ली है, थैंक यू बाय। सब फोटो ले रहे, सबको एक दूसरे की हेल्प चाहिए और सब हेल्प भी कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे गली गली में, एक तो धूप नहीं लग रही और कितनी चाहे फोटोज ले लो और कलरफुल हो रखा पूरा ना स्ट्रीट। क्या निकाले कहाँ से निकाले, वो इंसान वाले भी कर सकते हैं। मुझे बचपन से ये वाली मशीन ट्राई करनी थी जिसमें से एक छोटी बॉल निकलती है जिसमें कोई खिलौना होता है, लेकिन मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैंने उसे ट्राई किया और मेरा सिक्का वहीं रह गया, वो मुझे यूज ही नहीं करना आया। चलो बाय बाय, चेंज करा के आऊंगा मैं यहाँ पे। क्या किस चीज की लाइन है यहाँ पे? आइस टी मिल रही है जो कि सबके हाथ में, मुझे देखना है कि क्या ही है ऐसा, और लाइन लगी हुई है। ड्रिंक है मस्त, फ्रेशनेस हो गई समर की, और नीचे कुछ कुछ आ भी रहा हूँ वैसे खाने का। मेरे को ये टेडी बियर चाहिए जो मेरे पीछे इतना बड़ा सा छाता मंगवाया था हमने अमेजोन से, वो घर ही रह गया, अब यहाँ से लेना पड़ रहा है, काफी बड़ा है, हम आ जाएंगे दोनों। ये भी है कुछ थोड़ी मीठी चीज, मीठी चीजें ज्यादा मिल रही हैं यहाँ पे। एग टार्ट, ये पैटीज जैसा कुछ है और इसके अंदर एग बेक कर रखा है या पता नहीं क्या कर रखा है। मीठा है नमकीन है? मीठा है, मीठा है, साथ में एग का पूरा टेस्ट आ रहा है जैसे ऑमलेट खा रहे हैं ना, कुछ अलग कैरमलाइज मीठू, बट इतना मीठू नहीं है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से फ्लेकी मस्त, पर मैंने ऐड बना दी इसके। इस वाली मार्केट में इतना मज़ा आया ना, हमने तो भर भर के खाया है, ऊपर से बहुत सारी फोटोज वीडियोस लिए हैं, मेरे को तो बहुत मज़ा आया। इट वाज क्रेजी, अभी कहीं और भी जा सकते हैं, इतना टाइम है हमारे पास, पूरी शाम भी नहीं हुई है। तो अब असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था, वो था सिम ढूंढने का, क्योंकि यहाँ पे सिम बहुत कम जगह पे मिल रही थी। $100 की सिम, मतलब 1000 रुपये की सिम, अनलिमिटेड इंटरनेट कितने दिनों के लिए। हम स्टोर के बाहर ही बैठे मनी ट्राई कर रहे हैं कि सिम चल जाए, क्योंकि दे डोंट नो कैसे होगा, हमें खुद ही फिगर आउट करना है, जो कि काइंड ऑफ हो भी गया है, सब कुछ आ गया है, बट वो चल नहीं रही है। हमारे साथ ऐसे क्यों होता है, लिटरली दुकान खुलवाई है हम, क्या भागे। ये CTM जो सिम है यहाँ की, जैसे हमारे यहाँ एयरटेल जियो, यहाँ CTM है, हमें उनका ऑफिस नहीं मिल रहा और यहाँ पे नहीं हो रहा कुछ भी। सब कुछ कर लिया था, रजिस्टर वगैरह सब कुछ कर लिया था, लेकिन एक कोड डालना था जो कि इस पे नहीं लिखा हुआ। तो इस पे नहीं लिखा हुआ, तो मेरे को अब उन्होंने बताया ये कोड पे कॉल करो और तुम्हारा एक्टिवेट हो जाएगा, और अभी जस्ट एक सेकंड पहले हो भी गया। लो दुकान बंद करके खुलवाइए प्लीज प्लीज प्लीज, कम 3 मिनट लेट है सिर्फ। भाई साहब हो गया, आई गेस लिखा तो आया, चल जाना है छोटा छोटा चल जाना है। एक सिम के लिए आज इतना भागे है ना। तो खाने की तलाश करते करते हम आए हैं टुक टुक थाई किचन में, थाईलैंड वाला फूड है यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पे अलग अलग तरह के क्यूजीन है यहाँ पे, लेकिन हमने सोचा कि ये वाला ट्राई करते हैं, और किसी ने हमें रिकमेंड भी किया कि ये वाला ट्राई करके देखो, ये वाला बहुत अच्छा है। और वैसे एक ये भी प्रॉब्लम हो गई कि जो बिल्कुल बगल वाला रेस्टोरेंट है ना, जो मेन अच्छा चाइनीज खाना दे रहा था, वो बहुत ही बिजी था, उन्होंने हमें भगा दिया। प्रॉपर थाईलैंड रेस्टोरेंट है ये, यहाँ पे हमें चेंग बियर मिल गई है। हम होटल से बहुत दूर है, लेकिन हम ओट्स के दूध के नशे कर रहे हैं। गुड गर्ल्स ड्रिंक मिल्क। अभी वैसे सब कुछ जगा ही हुआ है, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, 10 तो खैर ज्यादा लेट नहीं हुआ है, 10 ही बज रहे हैं, लेकिन हम काफी दूर है, हमारा बिल्कुल ही पुल पार करके जाना है, दूसरी तरफ बड़ी पुल पार करके जाना है। देखो खाना ही खाना, इतना खाना रोशनी आ गई मुंह पे, खाना एक्चुअल में हमने बहुत ज्यादा अच्छा वाला खाया सुबह से। हाँ, तो बस वाला पार्ट हम हैक करके रहेंगे, बस के लिए रुके हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है बस कहीं से जाएगी, हर 13 मिनट बाद जाती है। हमने गूगल ट्रांसलेट भी ऑफलाइन डाउनलोड कर, हाँ सबसे बढ़िया गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड कर लो, और उस पर ना टेस्ट भी किया, वो वर्क कर रहा है। हाँ, उस पर पूरी की पूरी लैंग्वेज ना ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, ताकि तुम कुछ भी ट्रांसलेट कर पाओ इंस्टेंटली। तो अभी बढ़िया चीज़ है, तो हमारी अभी बस तो आई नहीं है, बहुत सारी बसें आ रही है जा रही है, हम यहाँ वेट कर रहे हैं, नहीं तो हमें एंड में टैक्सी लेनी पड़ेगी, देखते क्या होता है।
आज लगता है अपने घर पहुंच जाएंगे बस में। कितना अच्छा लगेगा, जो चीज़ हम करना चाह रहे थे वो हो जाएगा। पूरे दिन से ये ट्राई कर रहे थे कि हमारी सिम चल जाए और हम बस से ट्रैवल कर पाए यहाँ पे, क्योंकि बस सस्ती पड़ती है। तो आज ये हो रहा है, जा जा है हमारा है, ये मन्नी है, वासोनिया है। यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कल।